आज लॉकअप के सभी कैदियों के सामने मीडिया वालों ने वो बात निकलवा दी जिसको बोलने के लिए ना मुनव्वर तैयार थे और ना ही अंजलि। यहाँ पर ये बात है कि क्या मुनव्वर और अंजलि कभी भी रोमांटिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे या फिर नहीं। जहाँ मुनव्वर आज भी इनकार करते हुए नजर आए, तो वहाँ आज अंजलि ने अपने दिल की बात खोलकर सामने रख दी। उन्होंने साफ कहा कि हाँ, एक फेज था, एक समय था जब वो मुनव्वर की तरह रोमांटिकली अट्रैक्ट हो गई थी, और उन्होंने सभी के सामने, जब ऑडियंस के लोग जो है उनसे क्वेश्चन पूछने आ रहे थे, जब फैंस उनसे क्वेश्चन पूछने आ रहे थे, तो एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ, वो मुनव्वर से जो है एक लाइकिंग महसूस करती हैं या फिर मुनव्वर की तरफ एक जुड़ाव महसूस करती हैं। वो मुनव्वर को रोमांटिकली लाइक करने लगी हैं, जिसके बाद कंगना भी उनकी काफ़ी टांग खींचते हुए नजर आई। और वहीं मुनव्वर ने तो इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ भी फील नहीं किए, उन्होंने हमेशा एक दोस्ती मानी और ये कहा कि बाहर उनकी एक लाइफ है। लेकिन कंगना यहाँ पर ये टांग खींचती हुई नजर आई कि अंजलि पहले प्यार में पड़ गई, फिर जब प्रिंस आया तो उसे प्रिंस को देखकर लगा कि अरे, बाहर तो बहुत खुला आकाश है, बहुत बड़ा आसमान है। आपको बता दें कि अंजलि के बॉयफ्रेंड का नाम आकाश है, इसलिए कंगना उन्हें इस तरीके से छेड़ती हुई नजर आए। और कहीं ना कहीं ये भी छेड़ती हुई नजर आए कि प्रिंस नरूला जो है हट्टे कट्टे इंसान है, पंजाबी मुस्टंडे हैं। जब घर के अंदर आए तो ऑब्वियसली लड़कियों ने देख कर एक बार बेहोश सी होने लगी, तो उन्हें पता चला कि लॉकअप सिर्फ एक छोटी सी दुनिया है जहाँ पर कई सारी फीलिंग्स डेवलप तो हो गई हैं, लेकिन घर के बाहर जब जाएंगे, लॉकअप के बाहर जाएंगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। एक पूरा खुला आसमान मिलेगा और साथ ही एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आकाश भी मिलेगा, जो कि अंजलि का बॉयफ्रेंड है। खैर, कई बार कई लोगों ने उनसे ये पूछा है, ये जानने की कोशिश की है कि क्या आपको मुनव्वर से प्यार है, क्या आप मुनव्वर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, क्या आप मुनव्वर की तरफ खिंची चली गई हैं। जिस पर कंगना ने भी कई बार जब पूछा अंजलि से, तो उन्होंने इनकार किया। लेकिन आज अंजलि ने मीडिया वालों के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उनको एक लाइकिंग हो गई थी, वो रोमांटिकली अट्रैक्ट हो गई थी मुनव्वर की तरफ। लेकिन अब उन्होंने 2-3 हफ्ते से खुद को संभाल लिया है, खुद को समझा दिया है कि अगर जो होना है वो लॉकअप के बाहर होगा। यहाँ कोई रिश्ता नहीं बनता, यहाँ कोई दोस्ती नहीं होती, यहाँ कुछ प्यार नहीं होता, यहाँ बस एक फेज होता है जो कि गुजर जाता है, और जो सच्चाई होती है वो घर के बाहर होती है, लॉकअप के बाहर होती है, और वही उनकी भी सच्चाई है जो कि लॉकअप के बाहर उनको देखने को मिलेगी। खैर, इन सब सारी बातों को सुनने के बाद आप सभी लोगों का क्या कहना है मुंजली के बारे में, मुनव्वर और अंजलि के इस रिश्ते के बारे में, जिस पर कभी हाँ रहती है तो कभी ना रहती है। लिखिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।